प्रिपरेशन हो रही, मैं मांगा दूँ माशाल्लाह से। कुछ बोलना नहीं है आपने? फोन पर मैं बताया ना, बोलना है फोन पर। मैं मेरी छोटी सिस्टर आई है अपनी बबली सी बेटी के साथ, मियां चलो से भाई के घर, बाप भाई दे कर सी डेरा ला लिया, रोला पा लिया। चल भाई कुकू। अरे ऑफिस की प्रिपरेशन हो रही है। हाँ ऑफिस जाने के लिए नाश्ता नहीं करती ना, फिर मैं जबरदस्ती नाश्ता करा के भेजनी। मैं कहूँ तेरी अम्मा पिंडी आई हुई है तो तेन नाश्ता करा के भेजा कर ना लंच दे कर। और ये प्रिपरेशन हमारी हो रही मेहमानों के लिए, हमने बनाना ऑमलेट, साथ में स्लाइस गर्म करेंगे, साथ में ब्रेड का हलवा। ऐसे की तो शेयर हुई नहीं लेकिन इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो पूरा खा के जा, शाबाश। ये मेरे भाई बना रहे हैं आज का ब्लॉग, आज कैमरा भैया के हाथ में है। इतना मजे का मौसम हो रहा है, इतना मजे का ठंडी हवा चल रही है, बड़ा मजे का मौसम है। वैसे शुरू टाइम क्या हो रहा है? सवा सात का तकरीबन टाइम हो रहा है। बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। पिंडी का ये बड़ा मज़ा, थोड़ा सा मौसम गर्म होता है उसके बाद बारिश हो जाती है। ये देखें मज़े का मौसम, मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडी हवा बहुत ही मज़े का। चले चलते हैं फिर नाश्ते की तरफ, नाश्ता बना लें पहले मेहमानों के लिए, उसके बाद फिर मौसम और इन्जॉय करें। चले जी, मेरी मावन भी आ गई, मेरी भाभी। मना रहे हो? ये मेरे भैया जी हैं, और भैया जी इधर करो जरा मुँह। ये मेरे भाई अहमद, सलाम। हाय, ये मेरी सबसे प्यारी सी बबली सी सिस्टर के हस्बैंड हैं वजाहत, और ये बड़ी प्यारी सी मानो हमारी फातिमा की बेटी, अभी सो रही है, सफर से जब से आई ना सो रही है। मसाले फ्रेश नहीं है मैं। हाँ फिर हम फ्रेश होकर नाश्ता। हाँ चले। हेलो 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 जी, इधर शुरू, मेरी बेटी तैयार हो चुकी, तारों से ज़रा बाहर आ जाएं। मेरा बच्चा तैयार हो गया है अपने ऑफिस जाने के लिए। क्या बात है, मौसम है आशिकाना, ऐसे में कहीं आया एकदम लफ्ज बोल जाते हैं, प्लीज़ मेरे गानों में और मेरे लफ्ज़ों पर मत जाए, मेरे अटक जाते हैं और मैं भूल जाती हूँ। क्यों कुकू, आप सुना दें कुछ। ले नहीं, तेरी सुरीली बात जरूर सुनेंगे। प्लीज एक गाना शादी। मौसम है आशिकाना, आगे नहीं मुझे आता। है ऐसे में, मानो अगले लिफाज क्या है बोल। ऐसे में आए हाय। अच्छा मैं ना सोच के पूरा YouTube पर सर्च करके आपको दोबारा सुनाती हूँ। तो जनाब हम नाश्ता करके रेस्ट भी कर लिया है, वो हम आपसे थोड़ा सा शेयर नहीं कर सके, बड़ा बिजी थी, भूख शूक लगी थी, हमने फटाफट से नाश्ता कर लिया और अब हम आ चुके हैं जी अपने खाने की तरफ। और मेरी प्यारी सी मानो ये बड़ा प्यारा सा और मज़ेदार सा मंचूरियन बनाती है, तो हम आपको इसकी रेसिपी मानो की जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब मानो दसो, सबसे पहले हमने लिया है एक चिकन का पूरा चेस्ट पीस है, उसको हमने धो के अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है उसको। ठीक है ठीक। इसमें जो सबसे पहले चीज जाएगी, हमने लहसुन लेना है तकरीबन एक चम्मच, और हमने लेनी है ग्रीन चिली। क्योंकि मेरे हस्बैंड रेड चिली बिल्कुल अवॉइड करते हैं तो ग्रीन चिली मुझे ज्यादा डालनी पड़ती है, आप अपने हिसाब से ग्रीन और रेड चिली को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद हमने ना पाई फिर डांट भी पहन दिया लाल मिर्च नाल। वन टेबल स्पून ये मैंने लिया है नमक का, और वन टी स्पून लिया मैंने काली मिर्च का। ठीक, ये सब इसके अंदर चले गए। और क्या ऐड करेंगे मानो आप इसमें? आप इसमें मैं डालूंगी एक अंडा। चले ठीक, तो अब आप इसको कितनी देर में मैरिनेशन आप जितना ज्यादा इसको देंगे टाइम उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। सही सही, हम तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे देंगे। चले सही। उसके बाद हमने और ये सोया सॉस कितना? 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, बाकी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। और सिरका कितना? सिरका भी हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। चले ठीक है सही। इसको मिक्स करते हैं।
अब आप मिक्स करके इसको रख देंगे। इसके अंदर बस अब एक इंग्रेडिएंट रह गया है हमने इसके अंदर, वो कौन सा डाला है? कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर अब निकालना है कॉर्नफ्लोर, उसके साथ होगा बहुत क्रिस्पी सा क्रंची सा एक टेस्ट आएगा इसके अंदर, जो आपको खाने में बहुत मजे का लगेगा। इसको आप सेपरेट भी इसी तरह करके फ्राई करके इसको सेपरेट के साथ बड़ा मजे का लगता है। मैं इसको मंचूरियन में इस तरह से यूज करती हूँ। चले जी, अब आप ये कॉर्नफ्लोर एक चम्मच, वन टेबल स्पून है ना, वन एंड हाफ, थोड़ा सा ज्यादा, तकरीबन टू टेबल स्पून। अच्छा सही, टू टेबल भी एक आपका चला जाएगा ज्यादा भर के, एक थोड़ा सा कम जी। चले जी, इस हिसाब से अच्छे से कोट हो जाना चाहिए। मानो ने तो चिकन रख दिया था मैरिनेट होने के लिए, फिर हम भी सोने के लिए चले गए थे कि चिकन हो रहा है आराम से मैरिनेट, तो हम भी आराम कर लें अपना। तो अब उसकी मैरिनेट जो हम 2 घंटे रखा था वो पूरा हो गया, अब हम उसके वापस चलते हैं किचन की तरफ और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। चलते हैं। 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको करेंगे फ्राई। चले जी, चाहे चिकन अच्छी तरह से पक जाए। और इसके अलावा ये सारी हमारी चीजें हैं जो मंचूरियन में हमारी यूज होंगी। ठीक है, तो पहले हम इसको फ्राई करते हैं, फिर जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चीजें करेंगे। असल में हमारी मानो की जो रेसिपी की सबसे खास बात वो ये है कि ये ग्रीन चिली में चिकन मंचूरियन बनना है, इसमें रेड चिली या चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और ये बहुत मजे का बनाती है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हम बना रहे हैं जो हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। ठीक है, तो जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलते हैं। जी, ये हमारा चिकन एक बैच तो फ्राई हो गया, अब हम दूसरा बैच फ्राई करने लगे। और ये इतना मज़े का लगता है कि आप इसको ऐसे भी अगर खा लेंगे ना तो ढाका चिकन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है, वाकई बहुत मज़े का लगता है ये। क्या बात है भाई, आपको तो हम समझा नहीं सकते, हमें बहुत खुशबू आ रही है और जो मौसम मजे का, और ऊपर से जो मौसम वो मुझे फिर अभी तक गाने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम अपना मंचूरियन तैयार करने जा रहे हैं। फाइनल उसका जो बनेगा पेस्ट, उसके लिए हमने लेना है लहसुन और साथ में ग्रीन चिली। आपको पता है कि रेड चिली मैंने यूज़ नहीं करनी। और ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसके लिए हमने क्यूब्स के फॉर्म में काटे हैं प्याज और शिमला मिर्च। इसके अलावा हमने टमाटर ले लिया है और टमाटो केचप भी आपने लेनी है, नमक और काली मिर्च चाहिए। और इसके साथ हमने 1 कप पानी के अंदर 2 चम्मच जो है वो कॉर्नस्टार्च डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हमने लहसुन और ग्रीन चिली डालनी है और उसको 1 से 1.5 मिनट तक ना हमने पकाना है थोड़ा सा, ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। सारा काम हमने तेज़ आँच पर करना है, हल्की आँच पर नहीं करना, हमने तेज़ आँच पर करना है। ये जो हमने क्यूब्स के फॉर्म में काटे हुए हैं प्याज और शिमला, इनको हमने डाल देना है तेज आंच पे। इसको ज़रा हमने सौते कर लेना, तो हमने 2 मिनट तक तेज आंच पे मुसलसल हिलाते हुए, ताकि प्याज के जो क्यूब्स हैं एक दूसरे के अंदर वो अलहदा अलहदा हो जाएंगे। और इसको 2 मिनट तक, अब प्याज और शिमला को होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर डालना है टोमेटो पेस्ट। ये मैंने टोमेटो पेस्ट जो है बना के रखा हुआ है, पहले से फ्रिज में स्टोर किया हुआ है इस तरह से पैकेज के फॉर्म में। आपने जब काम करना हो फौरन निकाल लें और इसको डाल लें, आपके काम में बहुत आसानी होगी। आप भी इस तरह बना के, टोमेटो केचप है ये, चिली गार्लिक इसके 3 चम्मच भरे भर भर के हमें डालने हैं। 1 चम्मच अब जाएगी, 1 चम्मच इसके अंदर हमें डालनी है काली मिर्च और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी। बाकी आप ऊपर नीचे अपनी क्वांटिटी और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं। अब जो हमने अपना ये चिकन को मैरिनेट किया हुआ था, इसको पहले से हमने फ्राई किया था, इसको भी इसके अंदर हम डालेंगे और इसके अंदर मिक्स करेंगे। 1 कप पानी के अंदर हमने 2 चम्मच डाले हैं कॉर्न स्टार्च के, इसको हमने डाला के अंदर। अब हम 1 कप पानी और ऐड करेंगे, या आप जितना इसको थिक करना चाहती हैं, पतला करना चाहती हैं, जिस तरह की आप इसकी ग्रेवी रखना चाहती हैं उसके मुताबिक आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने इसको फ्राइड राइस के साथ सर्व करना है। वो तेज़ आँच कर देनी थी उतनी देर, मैंने एग भी अब तक हो जाने थे। एग को बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। अब इसकी हम करेंगे गार्निशिंग, इसके ऊपर हमने सफ़ेद तिल डाल देने हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। और इसके साथ हमने ग्रीन अनियन इसके ऊपर डालने हैं। अभी एक सीक्रेट और है मानो,
यस है ना, इसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। वो दरअसल ये होगा कि एक डिश मुझे बहुत पसंद है शाश्ली, तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने मंचूरियन में ऐड कर दी हैं। ये देखें ये कलरफुल सा बहुत प्यारा लगे। सो हियर इज़ द फाइनल थिंग। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर बॉइल्ड एग डालूँगी। ये वैसे तो लोग शाश्लिक में नहीं डालते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा होता है स्पाइसी स्पाइसी, तो जब एग इसके साथ आता है तो वो उसको इतना मज़े का बैलेंस कर देता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखा मैंने बोला था ना इस डिश में ट्विस्ट है, आ गया। भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है क्रीमी चिकन, मज़ेदार सी मेरे स्टाइल में। मैं किस तरह बनाती वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के लिए। ठीक है, मेहमान तो आप ही की तरफ गए हैं, तो हमने कहा उनकी गैर मौजूदगी में हम भाई मेरे लफ्ज़ अटक जाते थे जाना मुझे उनकी गैर मौजूदगी में हम बड़े बड़े से कुकिंग कर लें। ठीक है, तो वो उसकी प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ, तो भी ना शुरू करती हूँ बनाना और आपसे भी शेयर करते हैं कि वो रेसिपी मैं कैसे बना। ठीक है, ऑयल आप अपने, इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमने अपने जो प्याज है ना उनको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, ये हमने डाल लिया है। और मैं आपको ये बताती चलूँ, ये मेरे पास 3 प्याज बड़े साइज़ के लिए मैंने, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है। ठीक है ना, मसाले वाली ग्रेवी, वो अच्छी सी जना लुकमा शुकमा लग जाए ना, वो भाई खुश्क खुश्क मसाले वाली नहीं पसंद करते। अब हम इसमें डालेंगे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें चलेगी। अब हम इसको फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक अपने प्याज को। अच्छी लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक, ये अब हमने सारा इस तेल में से इसको निकाल लेना है। दही और हमारी ये प्याज फ्राई की हुई, हम इसको अब ग्राइंड करेंगे, इनको इकट्ठा ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिए, ये देखिए आपको दिखाते हैं प्याज ग्राइंड हो चुके। प्याज और दही, थोड़ा सा ये तकरीबन 1.5 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें जीरा डालेंगे। ठीक है, ये जीरा जैसे भुनता है, तो ये मेरे पास किलो के करीब है चिकन, इसको डाल दिया। अब हमने इसको इसके साथ ही फ्राई करना है। ठीक है, 2 टेबल स्पून नहीं 2 टीस्पून है भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये अब इसमें सारा हमें डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, और थोड़ी देर में हम इसमें फिर सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें अगर आपका ज़्यादा जो आपका मूड है, ठीक है ना, जिस तरह का स्पाइस रखना चाहते हैं उसी तरह डाल देंगे। ये देखिए, ये इसमें सब्ज़ मिर्चें चली गई, ये तीखी वाली हैं, तो इसको ज़रा हम थोड़ा किया। देखो जी, असी चिकन हिलाया ऊपर नहीं, देखो ज़रा चिकन ने रंग बदलिया है, सब्ज़ मिर्च का कलर आ रहा है, कितनी खूबसूरत चिकन लग रही है ना। देखो कलर थोड़ा जब बस रह गया, मैं कितनी अच्छी तरह कलर चेंज हो गया। ये तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। ठीक है, अब बोल, हाँ ये 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला है। ठीक है, अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर का 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब धनिया पाउडर डाल दिया ना, तो फिर से हम इसको 3 मिनट के लिए मज़ीद और डन। चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, मैं कहती मज़ीद अच्छा सा गल जाए, ठीक है, सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसका नमक चेक करेंगे और, ठीक है ना, नहीं वो बाद में था। प्याज और अब दही, प्याज और दही ग्राइंड की, अब ये इसके अंदर चली जाए, बाकी का बच गया। पानी डालें, सफाई करें, इसको हिलाएं और इसमें आप इस तरह डाल दें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टी स्पून भर के काली नमक, नमक थोड़ा सा ऊपर डालूंगी यानी कि 1/4 चम्मच गया। ये सारे मिर्च मसाले अपने चिकन च रच बस जाएंगे। कितनी देर के लिए रखना? हम इसको रखेंगे अब तकरीबन 8 मिनट के लिए ना, 7-8 तक के हमारा चिकन गल जाए। दम वाली हाँ। ठीक है, चिकन इसको 7-8 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इसी में दही के पानी में हमारा ये गल जाए चिकन। ठीक है, देखो जी चिकन हमारा बड़ा कुकर साढ़ा बहुत सोना गल गया, 3 से 4 टेबल स्पून है। ठीक है, ये हमने डाल देने इसमें, ये चले गए क्रीम के। ठीक है, कसूरी मेथी इन्हों आप पतीली ते रख के तेरा तवे पर छिड़क देंगे। ठीक है, धनिया। ठीक है, लो जी ये अपनी क्रीमी चिकन हमारा तैयार है। ठीक है।
मैंने रोटी बना रही है मानो उधर दूसरी काम में लगी हूँ, मैं ये लगी हूँ, बस वो गैस थोड़ा सा हल्का होने की वजह से थोड़ा सा काम हमारा थोड़ा सा दावत का काम लगे हुए हैं, मगर बना हमने सब कुछ ही लिया गैस की वजह से ये सब खीरे देखे ये जा रहे हैं खीरे जी माशाल्लाह से हमारे दावत की फाइनल लुक और मैं तुम दिखाती हाँ जियाले खाते हुए थैंक यू जी। हाँ जी मौसम भाई तुम भी रिव्यू दो अपना मजा आया मानो शुरू किया कि नहीं मैंने भी सिर्फ पानी पिया पानी रिव्यू दे दो सबसे बेस्ट पानी सबसे बेस्ट पानी हाँ जी जात भाई रिव्यू बहुत अच्छा बना एक लड़की कहती मैंने नहीं आना मुझे बहुत शर्म आ रही है तो असं एवें करते अपनी छोटी जी परी को पूछ लेंगे अलाया कैसा लगा खाना चलो जी असी हुण अपनी करन लगे जी जो कुछ असी बनाया उन्हूं इंजॉय ते असी इहदे नाल ही इजाजत चाहते हाँ कि अपनी लाइन कैप्चर कर लिए है ना नहीं अपनी लाइन असी तुहानूं दिखा के फिर तुहानूं अल्लाह हाफिज़ करते हैं मौसम बताए रिव्यू दे अपना बहुत अच्छा बना चलो जी माशाल्लाह से हमारी दावत मेरी और मानो की बनाई हुई बल्कि मानो की बड़ी मेहनत की सबके जो अपनी भाभी के मैं अच्छा इसी के साथ भी इजाजत चाहे सब अल्लाह हाफिज़ कर दे अल्लाह हाफिज हमारी तरफ से हाँ जी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश किया जाता है मोहब्बत हो तो ऐसी मेरा मुंह थोड़ा पैश ली है मेरा देख के देखो भाई अपनी बेगम नाल मोहब्बत है इजहार कैसा देखो जरा कितना अजीम भाई मेरा है ना अपनी बेगम का बहुत ख्याल रखता है ओ तानू याद होंदा पिया ना कि ओ भला जिन्ने जिंदगी दे मजे लैने बेगम थले लागे ते रन मरीद पांचवा हो रहा जे कैसा मां ना सुकून भाई सुकून ही नाम दी लाइफ च नहीं ते मैं किन्नी अच्छी नंद वा अपने भरा अपनी भरजाई दे हाथ च बोलन दी क्यों मानो बिल्कुल है ना मेरी क्यों ये नंद नहीं मेरी आपनी है चले जी ए नजारा स्थान दिखाता फिर इंशाल्लाह दोबारा भी कोई मजेदार जो नजारा दिखांदे अच्छा ए दे